ये देखो भाई, सारी रोड है ना खाली पड़ी हुई है अभी यार। ठीक है, अभी एक आध बंदे हैं, एक आध बंदे तो भाई घूमते गए हैं, होते हैं एक आध ऐसे लोग जिन्हें रोक रोक नहीं सकते यार। चलो ठीक है भाई। वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप गाइस? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे यार। तो भाई एक काम, बढ़िया अर्जेंट कॉल आया था यार, तो घर से जाना पड़ रहा है 2 बजे। अब क्या करें, लॉकडाउन में भाई निकलना पड़ता है, कोई अर्जेंट काम पड़ जाता है। कॉल आया था, मेरे को जाना है यार। मैं बताऊँ कहाँ जाना है, रास्ते में घर से निकलता हूँ सबसे पहले, तो बहुत अर्जेंट यार। आप लोग भी कहते हो यार डेली गाड़ी लेके निकल जाता, बट यार क्या करूँ भाई, मजबूरी है, अर्जेंट काम पड़ता है तो निकलना पड़ जाता है यार घर से। तो गाइस मैं बताता हूँ आपको, मेरे को कहाँ जाना था। मेरे को जाना है कलेक्टेड, कलेक्टेड मेरे को इसलिए जाना था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेरी एक दूसरी गाड़ी है वहीं पे, जो बुलेरो है वो मेरी गवर्नमेंट ऑफ पे लगी हुई है यहीं पे हाथरस में। तो उसके रिकॉर्डिंग कुछ काम था, कोई कॉल आया था मेरे को अर्जेंट, तो मेरे को वहां पे जाना पड़ रहा है अभी दोपहर के यार 2 बजे, लगभग 2 बजे करीब घर से निकला हूँ। तो यही था यार एक मेरे को काम। बाकी गाइस मैं सारी चीजें यार मास्क कुछ लेके जा रहा हूँ, मास्क वास्क सब कुछ ले लिए मैंने, वैसे नहीं जा रहा, सारी चीजें सिक्योर सेफ्टी वाली ना ले रखी है। देखो मास्क दो दो पड़े हुए मेरे पे, एक गाड़ी में पहले से रखा था, एक और मैं घर से लेके निकला था। तो बाकी चलो गाइस फिर मैं मिलता हूँ आगे आपको। गाइस यार आज रोड पे तो पूरे पे सन्नाटा सा छाया हुआ है, आज कोई भी नहीं है रोड पे भाई। आज लग रहा है कि लॉकडाउन का पालन हो रहा है। अगर यार यही पालन पहले से लॉकडाउन का हो जाता ना, तो अभी जो लगभग 25-26 हजार के आसपास मरीज हो गए यार, इतने ही नहीं होते। अगर ये ऐसे ही लोग पहले से करते रहते थे तो इतने मरीज नहीं बढ़ते यार। अब तो काफी स्थिति खराब हो गई है यार। अब जो मेरे को लग रहा है 3 मई को जो लॉकडाउन खुलने वाला था, वो भी अभी नहीं खुलेगा, वो भी आगे बढ़ेगा। देखो बाकी यार क्या होता है आगे पता चलेगा यार। मैं आपको देखो दिखाता हूँ, बिल्कुल रोड है ना खाली पड़ी हुई है, बिल्कुल खाली भाई। ये देखो भाई सारी रोड है ना खाली पड़ी हुई है अभी यार। ठीक है, अभी एक आध बंदे हैं, एक आध बंदे तो भाई घूमते गए हैं, होते हैं एक आध ऐसे लोग जिन्हें रोक रोक नहीं सकते यार। चलो ठीक है भाई। तो भाई अभी जो है ठीक चल रहा है सब चीजें, लॉकडाउन का लोग सही तरीके से पालन कर रहे हैं यार, जैसे करना चाहिए उन्हें ठीक कर रहे हैं। अब लोग घर से कम निकल रहे हैं, हो सकता है भाई 3 मई को लोग, वैसे ये हकीकत है भाई 3 मई को तो लॉकडाउन नहीं खुलेगा, क्योंकि मरीज अभी जो काफी हो चुके हैं। बाकी ठीक है यार, ऐसे अगर लोग पालन करेंगे तो हो सकता है भाई जल्दी खुल जाए। चलो फिर song, I'll put it on.
भाई ये है यहाँ पे हाथरस की कलेक्टेड, आप देख सकते हो यहाँ पे भी भाई कोई आदमी नहीं आ रहा है, सारी बंद पड़ी हुई है, कोई बस एक आधी ऑफिसर वगैरह बैठ रहे हैं सारी। यहाँ पे भी भीड़ भाड़ बिल्कुल ना के बराबर है, बिल्कुल देखो सुनसान पड़ी हुई, वरना यहाँ पे ना इतनी भीड़ होती है भाई, बहुत ज्यादा करके भीड़ होती है, सुबह से शाम तक काफी लोग आते रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहीं पे कलेक्टेड में आपको पता ही है डीएम साहब वगैरह सभी यहाँ पे ही बैठते हैं, तो बहुत भीड़ रहती है। और गाड़ी लगा लगा ये मेरे घर से ना ये पड़ती है 10 से 11 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस है इसका, तो भाई मैं अभी पहुंच चुका हूँ कलेक्टेड, यहाँ पे मेरे को काम है, तो अपना काम वो निपटाने के बाद फिर हम आपसे बात करते हैं भाई, मिलते हैं फिर। Two hours later. तो गाइस जिस काम से यार मैं आया था यहाँ पे कलेक्टेड, यार वो आज तो काम हुआ नहीं भाई, हो सकता है कल से फिर आना पड़े मुझे कल, तो अब यार क्या करें भाई, ऐसा ही होता है सरकारी काम ना, ऐसे होते भाई, कोई भी काम नहीं हो पाता। खैर अभी तो क्वारंटाइन चल रहा है तो कोई भी काम यार हो ही नहीं पा रहे, यहाँ पे ही क्या है ये भी कहीं भी नहीं हो पा रहे। बाकी अब गाइज मैं घर के लिए तो वापस निकल चुका हूँ, और कहीं मेरे को जाना भी नहीं और कोई काम भी नहीं है पैसे, तो गाइज अभी मैं लौट के आ रहा था वापस, तो मैंने एक चीज नोटिस करी, लगभग मैं 11 किलोमीटर गया था और 11 किलोमीटर ही वापस आया, 11 किलोमीटर में ना गाइज मेरे को एक भी पुलिस वाला नहीं मिला, एक भी जगह बैरिगेटिंग नहीं है आतरस में, एक कहीं भी मेरे को रोका ही नहीं भाई, मैं तो सीधे गया सीधे आया। और 2 बजे करीब जब मैं गया था अब तो ज्यादा भीड़ भी नहीं थी, अब तो एक आध जगह ना काफी लोग भी बैठे हुए हैं, काफी है, अब भीड़ उड़ निकल रही है शाम के टाइम में, दोपहर में तो कोई नहीं निकलता लेकिन अब शाम को भीड़ है, दिन में तो सब अपने भाई घरों में रहते हैं। और एक चीज और है गाइस, पुलिस अब रहे ना रहे अब तो जो है लोगों को ना भय भी होने लग गया है, अब तो लोग भी कम ही निकलते हैं, इतने घरों में से निकलते भी नहीं है जितने पहले, स्टार्टिंग में जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था यहाँ 25 तारीख से जब स्टार्ट हुआ था तो लोग निकलते थे काफी, तब तो पुलिस वाले सारे दिन बैरिकेटिंग वगैरह, तब एक आध दिन मेरे को काम पड़ा था तब मैं निकला था, तब तो सारे दिन बैरिकेटिंग वगैरह रहती थी, अब लोग निकलते भी नहीं तो पुलिस वाले भी कमी है, अब नहीं है एक भी, मेरे को 11 किलोमीटर में एक भी नहीं मिला भाई। ठीक है ये चीज, तो भाई ये था आज का मेरा छोटा सा ट्रैवलिंग ब्लॉग कह लो या कुछ भी कह लो, पहले लॉकडाउन में जो अभी शेड्यूल चल रहा है, घर पर हूँ तो थोड़ा मोटा काम पड़ता है तो बाहर चला जाता हूँ, तो उसमें आपके ब्लॉग बना लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ। बाकी आज अभी लॉकडाउन खुलेगा तो उसके बाद मैं कुछ प्लान भी कर रहा हूँ घूमने जाने का, तो उसका एक अलग ही सीरीज बनाऊंगा, वो आपको जरूर दिखाऊंगा। तो गाइस आज की इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे एंड, तो भाई जाते जाते गाइस मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।